दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रितेश और स्वागत है आप सभी का रितेश बेन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप अभी फोटोज देख पा रहे हो, इस फोटोज में आप देख सकते हो कि ये फोटोज का फेस जो है कितना डार्क है, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसको एडिट करने के बाद कितना क्लीन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्लीन ही नहीं दोस्तों, ये गोरा भी हो चुका है। तो इतना कमाल हम कैसे किए हैं अपने फोटोशॉप में, और बहुत ही आसान सा ये एक टिप्स है जिसकी मदद से आप बड़े ही आसानी से इसे फेस को क्लीन और गोरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर देखें दोस्तों, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप सीखने के लिए इस वीडियो में आए हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी नहीं है, तो इसलिए 2 से 4-5 मिनट आप समय जरूर दें। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फोटोशॉप को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि ये फोटोज पहले हमारा किस तरीका से था और अभी किस तरीका से है, यानी कि दोनों का डिफरेंस हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में बताते हैं कि ये आप कैसे कर सकते हो, इतना क्लीन आप या गोरा कैसे कर सकते हो फोटोज को। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो एक फोटोज है। उसके बाद यहाँ पर आप इस प्रकार से यहाँ पे लेयर पैनल को एक्टिव कर लेंगे। लेयर पैनल अगर आपका ओपन नहीं है तो यहाँ से सिंपल आप लेयर पे जाएंगे, यहाँ से आपका ये लेयर खुल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसका एक कॉपी बनाना है। ये जो लेयर है इसका एक कॉपी बनाना है। कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास दो लेयर बनकर तैयार हो जाएगा, और नीचे वाले लेयर को यहाँ से हाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या करना है, अब आपको एक यहाँ से एक सेट लेना है। यहाँ से एक फोल्डर का एक साइन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका एक सेट तैयार हो जाएगा। उसके बाद इस फोटो को उठा करके इस पर आप फोल्डर में आप छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका फोल्डर के अंदर ही ये कॉपी हो चुका है। अब जो भी काम करेंगे हम इस सेट के अंदर ही काम करेंगे। इसे हम यहाँ से हाइड कर दिए, यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो हम हाइड कर दिए, और इसको यहाँ पे शो, ये आई का कलर, आई का जो एक आइकन आ रहा है इसका मतलब ये दिख रहा है हमें फोटो, और ये हाइट हो चुका है। तो इस बैकग्राउंड वाला लेयर को हम हाइट कर चुके हैं। जो भी वर्क करेंगे इसी पे वर्क करेंगे, इसी लेयर पे। अब सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक मुझे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो सिलेक्शन यानी कि कलर लेना है। कलर लेने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट टूल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉलिड कलर पे आपको क्लिक करना है, और सॉलिड कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से एक कलर ले लेना है। ठीक है, वाइट टाइप का कलर आपको ले लेना है, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप कलर, यहाँ पे इस कलर को ले लेना है। और लेने के बाद आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है। कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद आपको टूल्स बार में यहाँ से आपका ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेना है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रश का साइज आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। ऑपेसिटी आपका 100-100 रहना चाहिए। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड आपका नॉर्मल रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, इसे यहाँ से आप थोड़ा ब्रश का साइज यहाँ से आप बड़ा कर लेते हैं, और अब इसे क्या करना है, इसे इस प्रकार से आपको पेंट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से आपको फेस का एरिया जितना भी है उसे आप कुछ इस प्रकार से आपको पेंट कर लेना है। ठीक है, पेंट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाना है आपको, और ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे आपको कलर बर्न पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे चेंज करके हम देखते हैं, ये पे कलर डोज हो गया, यहाँ पे कलर ओवरले में करके देखता हूँ, सॉफ्ट लाइट पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग मोड में जाके सॉफ्ट लाइट पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब आपको सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको आप कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे, ये फेस आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट टूल पे जाना है, और उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे आपको लेवल पे क्लिक करना है, और लेवल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसे बड़ा घटा के देखना है। ठीक है, तो लाइट को कम करेंगे और इसे इस प्रकार से हम थोड़ा सा टोन ला देते हैं, इस पर हम थोड़ा सा कंट्रास्ट देना दे दिया हूँ। कंट्रास्ट देने के बाद इसको इस प्रकार से हम कंट्रास्ट लाइट जो है ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको फेस को फिर से सेलेक्ट करना है, और फेस को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ से एडजस्टमेंट में चले जाना है, और सेलेक्टिव कलर पर जाना है, और सेलेक्टिव कलर पर जाने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे जो रेड सेलेक्ट है इसके बाद इसको इस प्रकार से बढ़ाना है, उसके बाद येल्लो को भी बढ़ाना है। ठीक है, और इसके बाद मैजेंडा वगैरह को भी एडजस्ट कर लेना है ताकि हमारा फेस का टोन यहाँ से बना रहे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम कर दिया, और रेड को भी इस प्रकार से हम बना देते हैं। यहाँ पे देख रहे हो मैं कैसे इसको सेटिंग कर रहा हूँ कलर को, तो कुछ आप इस प्रकार से भी सेटिंग आप करें। ठीक है,
ये हो गया। और अभी मैं फिर से इसको फेस को सिलेक्ट करता हूँ। फेस को सिलेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता दें, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस पर आपको क्लिक करना, यहाँ पे फेस सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट टूल पे और उसके बाद जाएंगे हम कलर बैलेंस पे। और कलर बैलेंस पे जाके सियान को थोड़ा सा बड़ा घटा के देख लेता हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इतना ही आपको करना है, जितना सही हो उतना ही एडजस्ट आपको करके रखना है। यहाँ पे आपको टेस्ट के अनुसार जो है कि आपको इस चीज़ों को अप्लाई करना है। एक बार यहाँ से मैं अपना सेलेक्टिव कलर को फिर से सेलेक्ट करता हूँ, इसके में फेस को, जब भी आपको इस पर अप्लाई करना है इफेक्ट, इसको फेस को सेलेक्ट करके ही करना है। एडजस्टमेंट टूल पे जाएंगे, सेलेक्टिव कलर एक बार फिर से ले लेता हूँ और इस प्रकार से मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ और येल्लो को भी थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से इतना कर देता हूँ और थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देता हूँ। सियान वगैरह को, रेड को भी कर देता हूँ। तो अब जाके यहाँ पर हमारा जो फेस का जो यहाँ पे एरिया देख पा रहे हो, ये कुछ इस प्रकार से ये अच्छे खासी वाइट हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम इस पर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट डालता हूँ। तो यहाँ से मैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट ढूंढता हूँ, यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रास्ट यहाँ पे है और इसको मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, मात्रा के अनुसार लगाना है। उसके बाद एक बार हमें सेलेक्टिव कलर, एक बार मैं लेवल फिर से ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना लेवल को भी फिर से लाता हूँ और कुछ इस प्रकार से लेवल को मैं कम कर दिया हूँ, इसे मैं छोड़ ही देता हूँ। लेवल लगाने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और उसके बाद अभी जो है कि आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से हमारा फेस हो गया। अभी हम देख लेता हूँ करके, इसे मैं शो कर देता हूँ। पहले ये था और अभी ये है, देख सकते हो आप कितना डिफरेंस हो रहा है। अभी अगर आप इसका कलर थोड़ा सा और डिफरेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस वाले पे, कलर पे जो आपने कलर लिया था, तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है और थोड़ा सा यहाँ से आपको मिला के देख लेना है कि किधर से आपका सही रहेगा। हमने इतना सेलेक्ट कर दिया ताकि ये जो है कि नॉर्मल लगे, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो आप, पहले फोटो ये था और अभी ये है। कुछ इस प्रकार से ही आपको साइज इसको सेट करना है। ये जो हो गया तरीके दोस्तों, ये एक आसान तरीका हो गया जिसके मदद से आपका फेस का डिजाइन भी नहीं बदलेगा और आपका फेस ऑटोमेटिक तरीका से यहाँ से गोरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बेस्ट तरीका। उसके बाद अब यहाँ पे बारी आता है इस पर मुझे इसको लिपस्टिक लगाने का। तो हम इस पर अभी सेलेक्ट करेंगे ये इस वाले को, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये लेयर को सेलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडजस्टमेंट टूल पे जाएंगे और सॉलिड कलर पे जाएंगे और यहाँ से आपको रेड कलर यहाँ से चूज कर लेना है, ओके करना है और उसके बाद इसको इससे ऊपर लेके चले जाना है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, इससे ऊपर लेके चले जाना है आपको यहाँ पे। और उसके बाद ऊपर ले जाने के बाद इसको आपको करना यह है, कंट्रोल आई प्रेस करना है। कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वही ब्रश टूल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसका साइज यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेना है आपको। लेकिन दोस्तों इसका ब्रश का जो सिलेक्शन करना है आपको, यहाँ पे ये 300 वाला ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसका साइज आपको छोटा कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इस तरीके से पेंट कर लेना है। अभी मैं थोड़ा इसे रिमूव करता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपको पेंट कर लेना है, देख सकते हो आप, इसको होंठ को पेंट कर लेना है। ये बहुत ही आसान सा टिप्स है दोस्तों, जिसको कि आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा। और ये एकदम आसान तरीके से बताया है, तो आपको और कहीं YouTube में शायद नहीं बताया होगा इस प्रकार से। तो मैं जो आपको ये तरीका बताया हूँ, इस तरीका को आप अच्छे से रट लें, रिवाइज कर लें और ताकि आपको आसानी हो क्लीन करने में। उसके बाद आपको यहाँ इसमें सॉफ्ट लाइट कर देना है और यह तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यहाँ पे कलर बर्न कर सकते हो, कलर बर्न वही रहने दें, उसे आप थोड़ा सा कम कर दें, ओपेसिटी इसको कम कर दें और इसका कलर यहाँ से आप अब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं जूम हटा देता हूँ, देख सकते हो आप। तो इसका और थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, यहाँ से कोई भी लिपस्टिक का कलर अब मैं ले सकता हूँ, जब यहाँ पे हमारा सिलेक्शन बन चुका है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये बन चुका है वाइट फोटो, और पहले हमारा फोटो ये था और अभी ये है। तो देख सकते हो कि बड़े ही आसानी से आप फोटो को गोरा कर सकते हो,
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को क्लिक करें और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।